वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऐसे जैसे कि आपको पता है कि कोविड नाइन्टीन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से अकैडमीज़ ऑफ हैं और तमाम तो तलीमी इदारे बंद हैं तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं पहले हम जोआलॉजी ए कम्प्लीट कर चुके थे तो आज से हम जोआलॉजी बी स्टार्ट करते हैं तो जोआलॉजी का पैटर्न जोआलॉजी बी का पैटर्न बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको कि इसमें फिर भी नाइन क्वेश्चन होंगे और आपने फ़ाइव अटैम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के दस मार्क्स होंगे मतलब टोटल जो नंबर होंगे मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो पचास मार्क्स का पेपर होगा आप लोगों का और फाइव क्वेश्चन आपने करना अटैम्प्टे थ्री आवर्स में तो सबसे पहले जो है हमारा जो चैप्टर नंबर वन है वो इंट्रोडक्शन टू जोआलॉजी है और इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्गनिज़्म तो पहले इसमें एक टर्म बताया गया टेक्सट्रोमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में दी स्टडी ऑफ़ काइंड एंड डाइवर्सिटी आर्गनीजम एंड दर एवल्यूशन रिले इमांग दम इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक आर टेक्सानोमी तो इसकी फिर इंपॉर्टेंस बताई गई है कि ये जो हम स्टडी करते हैं क्यों करते हैं द स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक्स गेव द आर्डर एंड रिलेशनशिप इमांग द आर्गनिज़म कि ये क्या कर दिया है हमें रिलेशनशिप बताती है इमांग द आर्गनिज़म के वो एक दूसरे के उनके दौरान क्या तल्लक है तो ये हमें बताती है जिससे रिलेशनशिप्स गेवस द एवोल्यूशनरी प्रोसेस तो इससे हमें क्या पता चलता है इरतक के प्रोसेस के बारे में मालूम होता है और तीसरा जो है इट आल्सो डिस्क्राइब द न्यू स्पीसीज़ मतलब इससे हम फिर क्या करते हैं न्यू स्पीसीज़ के बारे में न्यू स्पीसीज़ को दरियाफ्त कर सकते हैं उनके बारे में डिस्क्रप्शन बता सकते हैं इट आल्सो ऑर्गनाइज द एनिमल इन टू ग्रोप्स ठीक है ना ये आर्गनीज़म को ग्रोप्स में क्या करती है आर्गनाइज करने में भी हमें हेल्प करती है ठीक है ना टक्सानोम या सिस्टमेटिक्स नैक्स्ट राइट पर चलते हैं तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा है कि जो टेक्सानोमी और सिस्टीमेटिक्स हैं ये तो अलग अलग टर्म हैं ठीक है ना इनके बारे में फिर मज़ीद बताया गया है कि टेक्सानोमी क्या होती है और सिस्टीमेटिक्स क्या होती है ठीक है ना तो टेक्सानोमी क्या होती है दी औरिजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सी इज़ कॉल्ड टेक्सानोमी के जो हमारे सी होती है हमारे पास ठीक है ना उसकी जो औरिजिनल डिस्क्रिप्शन होती है उसे क्या कहा जाता है टेक्सानोमी कहा जाता है जबकि जो सिस्टीमेटिक्स है इसे कैसे डिफाइन करते हैं दी अरेंजमेंट ऑफ सी पी शी इंड ग्रोप्स ठीक है ना जो सी पी सी की जो अरेंजमेंट है उनको ग्रोप्स में क्या करना अरेंज करना उसे क्या कहा जाता है सिस्टमैटिक्स कहा जाता है तो ये दोनों अलग अलग टर्म है टेक्सानोमी जो है वो औरजनल डिस्क्रिप्शन होती है और जो हम ग्रुपिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं सिस्टी कहते हैं उसके बाद का हरारकी के बारे में बताया गया है कि जो टेक्सानोमी है या ग्रुपिंग जो की जाती है तंजीम की जाती हैज़म की किस तरह की जाती है तो इसके लिए दो बुनियादी प्रोसेस हैं दो बेसिस हैं टेक्सानोमी हरारकी की एक जो बेस है वो किस बुनियाद पर है टेक्सानिक हिरार की बेस्ड ऑन द मारफालोजी जबकि नंबर जो टू है वो क्या है टेक्सानिक हरार की बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन तो पहले हम देख लेते हैं टेक्सानिक हरार की बेस्ड ऑन द मारफालोजी कि मारफालोजी के ऊपर जो बेस कर रही है वो क्या बता दिया हमें तो इसके लिए एक सेंटेंस था हमारे पास कार्लूस लीनियस ठीक है ना तो उसने सबसे पहले हम क्या किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था ठीक है ना जिससे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ठीक है ना सबसे पहले जो क्लासफिकेशन का सिस्टम था वो कल उस जिनीस ने दिया था जो आज भी क्या हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है तो उसका जो यकीन था कि जो आर्गनिज़म है या सी चीज़ हैं इनको एक ही ग्रुप में कैटाग्राइज किया जा सकता है मुख्तल जो सी होती हैं ठीक है ना तो ये जो ग्रुपिंग की जाती है किस बुनियाद पर की जाती है मतलब सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर कि जिन आर्गनीज़म की खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती थी उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता था और उस पर उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता था का ठीक है ना अगर एक से ज़्यादा ग्रुप है तो फिर हम टैक्सा कहते हैं अगर एक ग्रुप है तो फिर उसे क्या कहते हैं टैक्सान कहा जाता है ठीक है ना अभी जो टेक्सान होता है उसमें तमाम वो आरविजन शामिल होंगे जिनकी खसूसियात क्या होती हैं एक जैसी होती हैं तो यहाँ पर हमें एक एग्ज़ाम्पल के बारे में बताया गया है ठीक है ना तो मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल दी गई है हाउस फ्लाई की जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है मस्का डोमेस्टिका शोज द सिमिलारिटीज़ विद अदर फ्लाइज मतलब जो मस्कट यूनिवर्सिटी का है ये क्या कहते हैं दूसरी फ्लाइज के साथ भी क्या कर कह सिमिलरिटीज़ दिखाती है किस तरह सिमिलर होती है मतलब जितनी भी फ्लाइज होती हैं उनके पास क्या होते हैं पेयर ऑफ विंगज होते हैं इसका मतलब है इनकी ये खसूसियत क्या है सेम है तो मतलब मुख्तु जो फ्लाइज होंगी उनको एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है और मोस्टली जो फ़्लाईज़ होती हैं कौन कौन सी होती हैं जिनकी आपस में खसूसियात मिलती जुलती हैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ये किससे मिलती हैं बीज से मिलती हैं बटरफ्लाई से मिलती हैं और बीटल से क्या कहती हैं मशाबियत रखती हैं तो इन सब को एक ही ग्रुप में रखा जाता है और इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है इंसेक्ट्स कहा जाता है ठीक है ना बात समझ आ रही है क्या कहा जाता है इनको कलेक्टिवली इंसेक्ट्स कहा जाता है तो जो कारलूस लीनियस था उसने तकरीबन फ़ाइव टैक्सा बताए थे ठीक है ना पाँच टैक्सा बताए थे और उसने कहा था कि फ़ाइव टैक्सा होता है एनिमल की ग्रुपिंग के लिए लेकिन बाद में जो मॉडर्न टैक्सानो व्यस्त हैं इन्होंने तकरीबन आठ टैक्सा को क्या क्या डिस्क्राइब किया है और वो आठ टैक्सा कौन कौन से होते हैं डोमेन होती है किंगडम होता है फाइलम होता है क्लास होता है आर्डर होती है फैमिली होती है जीनस होती है और सी पी सी ये पहले भी आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में तब आप कहाँ से स्टार्ट करते थे किंगडम से लेकिन किंगडम से पहले एक डोमेन भी होती है जो क्या होती है ब्रॉडस्ट टेक्सानिक कैटेगरी है मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो आर्गनिजम होते हैं किस में होंगे डोमेन में आएंगे लेकिन अभी इसे यूनिवर्सली तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है डोमेन को ठीक है ना वैसे बाकी आपने पढ़ा था किंगडम फाइलम क्लास आर्डर फैमिली जीनस एंड सीपी शी तो यहाँ पर जो नई बात है वो क्या है किसके बारे में बताया गया है डोमेन के बारे में बताया गया है तो डोमेन क्या होती है ब्रॉडेस्ट टेक्सानिक कैटेगरी होती है ठीक है ना दूसरी जो हमने पढ़नी है टेक्सानिक हरार बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ठीक है ना अब टेक्सानो में बेस्ड ऑन द एवलूशन इरतका की बुनियाद पर भी होती है ठीक है ना वो कार्लोस लीनियस ने क्या किया था एवोल्यूशन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करता था ठीक है ना जो कार्लोस लीनियस था एवोल्यूशन प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, था, था। लेकिन उसकी बहुत सारी जो ग्रुपिंग होती है ठीक है किसकी बुनियाद पर थी एवोल्यूशन रिलेशनशिप को शो करती थी एवोल्यूशन रिलेशनशिप को शो करती थी अब वो कैसे करती थी मार्फॉलोजिकल सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू एनिमल्स हैव अ जेनेटिक बेसिस ठीक है ना मार्फालोजिकल जो सिमिलरिटी मतलब ग्रुपें जो की गई थी मार्फॉलोजी की बुनियाद पर की गई थी तो उनकी जो क्या थी जेनेटिक बेसिस होती थी तो जो जेनेटिक बेसिस होती है आपको पता है डी एन ए की बुनियाद पर होती हैं तो डी एन ए देखा जाएगा तो साफ जरा एनिमल्स की क्या देखी जाती है एवोल्यूशन देखी जाती है कि कौन से ऑर्गनिजम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कौन से क्या है नहीं मिलते जुलते है? किस बुनियाद पर सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर ठीक है तो ये इसका मतलब ये है तो हम कह सकते हैं कि ये जो टेक्सानों में है एक तो ये किस बुनियाद पर है मार्फॉलोजी की बुनियाद पर है दूसरी किस की बुनियाद पर होती है एवोलूशन मिनद पर होती है इससे हमें यह पता चलता है कि जो जो मतलब एक ही ग्रुप में वाले आर्गनिज़म होते हैं उनके जो इंसेस्टर होंगे वो सेम होंगे मतलब ज़्यादा करीबली क्लोजली रिलेटेड होंगे जबकि जो मुख्तलिफ ग्रुप्स क्या होंगे आर्गनिज़म वो क्या होंगे डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे डिस्टेंटली रिलेटेड क्या होंगे आर्गनिज़म होंगे तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूमन कल्चर ठीक है ना आप नूमन कल्चर भी पहले पढ़ा हुआ है कि नाम देना आर्गनिज़म को साइंटिफिक नाम देना तो नोमन क्लेचर की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले हम यहीं देख लेते हैं दी असाइनमेंट ऑफ डिस्टिंक्टिव नेम्स टू ईच सी इज़ कॉल्ड नोमन क्लेचर कि हर एक सी को एक डिस्टिंक्टिव नेम देना मतलब एक अलग नाम देना क्या कराता है नोमन क्लेचर कहा जाता है तो पहले जो आर्गनिज़म थे उनके नाम क्या थे कॉमन नेम थे तो कॉमन नेम के साथ मुख्त्य प्रॉब्लम एसोसिएटेड थे, थे दो मेन दो मेन प्रॉब्लम थी एक क्या थी कॉमन नेम्स वेरी फ्राम कंट्री टू कंट्री कि हर जो कॉमन नेम होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जान क्या हो जाता है चेंज हो जाता है इवन दे वेरी फ्राम रीजन टू रीजन वेद आ कंट्री मतलब अगर जो मुल्क है उसका जो रीजन होता है मुख्य जो रीजन होते हैं उसमें भी उनके नाम चेंज होते हैं समस्पीशी है हंड्रेड ऑफ डिफरेंट कामन नेम्स कुछ जो सपीशी होती हैं उनके क्या होते हैं मुख्तलिफ़ एक सौ से भी ज़्यादा होते हैं या थाउजेंड तक नाम भी होते हैं बायोलॉजी स्टडी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको पता है बयालॉजी होती है पूरी दुनिया में क्या की जाती है स्टडी की जाती है और तमाम नेशन इसे क्या करते हैं स्टडी करती हैं दे आर फोर दे आर मस्ट बी सम सिस्टम्स ऑफ नेमिंग ऑफ द आर्निज़म इसलिए उनके लिए कोई नेमिंग के लिए एक सिस्टम होना चाहिए ठीक है ना बाद में फिर डिस्क्राइब किया जाएगा दूसरी जो मेन प्रॉब्लम थी सेकेंड मेनिंग कामन नेम्स आर यूज फॉर टेक्सानिक कैटेगरीज हायर दैन द सी पी सी लेवल मतलब सी पी सी लेवल से हायर मतलब जो क्या थे ग्रुपिंग थी मतलब क्लास लेवल पर या आर्डर लेवल पर क्या किया जाते थे नाम दिए जाते थे फॉर एक्जाम्पल डिफरेंट काइंड ऑफ पेलबाग्स जो किस क्लास से बिलोंग करते हैं क्लास क्लस्ट्रेशर से और आर्डर आइसोपोडा से और डिफरेंट काइंडस ऑफ करे फिश जो करे फीशेज होती हैं जो किस क्लास से बिलोंग करते हैं है क्रेसिशे से या आर्डर डेका पोडर से कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड ईजिली इनको मतलब ईजिल हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि सी पी सी लेवल पर इनके नाम नहीं दिए गए अ कामन नेम आफ्टर डज नॉट स्पेसिफाई अ पार्टिकुलर सी पी सी जो कामन नेम होता है तो एक सी पी सी के लिए क्या होता है स्पेसिफाई नहीं कर रहा होता इसलिए क्या होती है जरूरत पड़ गई थी कि इनको एक ऐसा नाम दिया जा जाए जो पूरी ग्लोबली के तौर पर क्या किया जाए एक्सेप्ट किया जाए तो इसको हल करने के लिए फिर बाई नोमियल नोमन के को क्या क्या गया इंट्रोड्यूस कराया गया अब बाई नोमियल का मतलब क्या हो का मतलब होता है बई का मतलब टू होता है नोमियल का मतलब नेम होता है मतलब जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो नाम पर मुश्तमल होता है उसका जो फर्स्ट हो नेम होता, होता, होता है वो क्या होता है जीनस होता है और सेकेंड नेम क्या होता है सी को क्या क्या होता है ज़ाहिरकार होता है हमेशा जो जीनस नेम होता है वो क्या कहता है बिगिन विद कैपिटल लेटर उसे किससे लिखा जाता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है और जो एंड होता है मतलब जो सी पी नेम होगा उसको स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं दीज नेम्स आर ड्राइव फ्राम लेटर मतलब जो लतीनी ज़बान है उससे क्या किया जाता है ड्राइव किए जाते हैं, हैं। इसलिए इनको हमेशा अटैली साइज लाजमी किया जाता है अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में लिख रहे हैं या फिर अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो फिर उसका अंडरलाइन करना लाजमी होता है ये सबसे अहम जरूरी बात है अगर आप लोग अंडरलाइन नहीं करते तो आपका जो सैंटिफिक नेम होता है जो आप रेड करते हैं किसी एनिमल्स का नाम रइड करते हैं सैंटिफिक अगर अंडरलाइन उसे नहीं किया गया तो वो क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है गलत उसे तस्वुर किया जाता है सम टाइम जीनास अंडरस्टूड मतलब हम बार बार हमत जैसे इंसान का नाम क्या होता है हुमो सैपियंस बार बार होमो लिखने के बजाय हम क्या करते हैं उसे एच से डिनोट कर सकते हैं तो अगर अंडरस्टुंड है कोई जीनस नेम तो उसे क्या किया जाता है एवरी वेट किया जाता है जहाँ जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गया है होमोसेपियंस का जो एच है वो एवरी वेट किया गया तो ये अंडर स्टूड बात है कि ये क्या है होमोसेपियस है उसके बाद कुछ आर्गनीज़म की क्या दी गई है यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी गई है टेक्सानोमे कैटेगरीज ऑफ हुन एंड डॉग्स कि किस तरह हम क्लासीफिक करते हैं आर्गनीज़म को मतलब हुन और या किस तरह उनके नाम रखे जाते हैं साइंटिफिक तो उसके लिए सबसे पहले जो है तीन कलम आप नज़र आ रहे होंगे टेक्सान हुमन एंड डॉग ठीक है ना जो हुमन का जो डोमेन होता है वो क्या होती है यूकेरिया होती है उसका किंगडम क्या होता है एनीमीलिया होता है फाइलम क्या होता है कार डेटा क्लास कौन सी होती है मैमिलिया ऑर्डर क्या होता है प्राइमेट फैमिली कौन सी होती है हुमिन आई जीनस क्या है हुमेंस का होमो और सीपीसी क्या है सैपियंस तो इनका जो बाइनोमियल हुन के लिए अगर नाम रखा जाए तो हुंस का नाम क्या होगा हुमो सैपियंस फर्स्ट नेम क्या होता है जीनस नेम होता है और सेकंड नेम क्या होता है सपीशी नेम होता है तो जीनस इनका क्या होगा होमो और सपीशी क्या होता है सेपियंस तो इसका जो नाम होगा होमो सैपियंस इस तरह हम डॉग की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं डॉग की जो डोमेन होती है वो क्या होती है यूकेरिया होती है किंगडम भी एनी होता है फाइलम क्या होता है कारडेटा क्लास मैमिलिया और आर्डर इनका क्या होता है कार्निवोरा ठीक है ना आर्डर से मतलब इनको ये देखा जाता है कि ये किस तरह अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं तो क्योंकि डॉग डाक क्या होता है कॉर्निवोर्स होते हैं इसलिए इनका आर्डर क्या होता है कॉर्नीवोरा होता है फैमिली इनकी क्या होता है कैनिडी होती है और जीनस क्या होता है कैनस होता है सी पी इनकी क्या होती है फैमी लैरस तो डॉग का जो साइंटिफिक नाम होगा वो क्या होगा जीनस और सी नेम पर मुश्शमल होगा तो इसका कम्प्लीट नाम क्या होगा कैनस फैमी लैरस आई होप कि आपको समझ आ गई होगी अगर मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो आप वॉइस मैसेज भेजकर आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपको आंसर देने के लिए